उड़ता समुद्री जहाज, फ्लाइंग डचमैन एक ऐसा जहाज जिसकी परछाई पानी में नहीं हवा में उल्टी दिखाई देती है। अफ्रीका के तटीय समुद्र में जहाज पर नाविक ईश्वर से मौसम खराब ना होने की प्रार्थना करते हैं। इसलिए नहीं कि ये नाविक तूफानों से डरते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि मौसम खराब होने पर उन्हें फ्लाइंग डचमैन दिखाई देता है और इस जहाज का दिखना एक अभिशापित भविष्यवाणी है जो किसी की मौत के साथ पूरी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता सिंह आप सबको अपने चैनल मिस्ट्री बुक में स्वागत करती हूँ। आपको एक ऐसे जहाज के बारे में बताने जा रही हूँ अभी तक एक रहस्य है, तो आइए जानते हैं आज इसके बारे में। सत्रहवीं सदी की मिथक लोक कथाओं के मुताबिक फ्लाइंग डचमैन एक ऐसा भूतीय जहाज है जो कभी बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाया। इन मिथक कथाओं के अनुसार इस भूतीय जहाज को तेज रोशनी फेंकने वाले जहाज के तौर पर देखा जाता है और जब ये रोशनी किसी को दिखाई देती है तो वो जल्द ही मौत की नींद में सो जाता है। समय समय पर कई लेखकों ने अपनी किताब में इस भूतीय जहाज का जिक्र भी किया है। सबसे पुराना मौजूदा संस्करण 1790 में जॉन मैकडोनाल्ड द्वारा लिखित किताब है, जिसमें वो लिखता है कि नाविकों ने बताया कि तूफानी मौसम में उन्होंने फ्लाइंग डचमैन को साक्षात देखा था। ये कहानी इस तरह है कि लवादा ओढ़े डचमैन को खराब मौसम में अपनी नाव को बंदरगाह तक ले जाने के लिए कोई पायलट नहीं मिला और उसकी नाव खो गई और तब से खराब मौसम में उसकी झलक नजर आती है। अगला संपादित संस्मरण 1795 में जॉर्ज वॉशिंगटन द्वारा लिखित है, न्यू साउथ वेल्स की एक यात्रा में मिलता है। मैंने कभी ऐसे अंधविश्वास पर यकीन नहीं किया, पर प्राप्त जानकारी के मुताबिक कुछ साल पहले एक डचमैन अपनी नाव समेत समुद्र में कहीं खो गया और उस नाव में से कोई जिंदा वापस नहीं बचा और जल्द ही उसके गम में उसकी पत्नी भी मर गई। और जहाँ ये हादसा हुआ वहाँ से गुजरती नावों की नाविकों का कहना है कि उन्होंने खराब मौसम में किसी को समुद्र में देखा। ये सच था कि यह सिर्फ नाविकों की कल्पना, ये नहीं पता, लेकिन ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और जब जो भी नाविक वहाँ से गुजरते हैं वे कहते हैं कि रात में या कोहरे में उन्होंने किसी को देखा है जिसकी एक झलक दिखते ही वो अगले पल गायब हो जाता है। जॉर्ज पांचवे ने अपने भाई और कुछ और लोगों के साथ इस जहाज को देखने का दावा किया है। 11 जुलाई 1880 को सुबह 4 बजे फ्लाइंग डचमैन को मैंने, मेरे भाई ने और कप्तान ने तेज लाल रोशनी में देखा और जब उस भूतीय जहाज को ढूंढा गया तो समुद्र में उसका नामो निशान भी नहीं था, लेकिन फिर से वहीं पर इस भूतीय जहाज को 10:45 पर 13 लोगों ने एक साथ देखा। एक जहाज पर कुछ नाविकों ने कोहरे में कुछ दूरी पर आसमान में एक समुद्री जहाज की उल्टी परछाई देखी, जिसे देखकर वो डर गए और उनमें से एक बोला कि ये भूतीय जहाज एक अपशगुन है और अब उनमें से कोई भी बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन उनका कप्तान, जो इन बातों पर यकीन नहीं करता था, उसने बताया कि ये कोहरे के कारण बना एक ऑप्टिकल प्रभाव यानी कि भ्रम है और जब वे लोग तट पर सही सलामत पहुंचे तब उन्हें कप्तान की बातों पर यकीन हुआ और उन्होंने ऐसी बातों पर यकीन न करने का फैसला किया। सच चाहे कुछ भी हो, लेकिन फ्लाइंग डचमैन की इस छवि को टीवी और फिल्मों में काफी प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया गया है। सोल ईटर नामक प्रोग्राम में फ्लाइंग डचमैन एक भूतीय जहाज की आत्मा है। स्पाइडरमैन की कार्टून में फ्लाइंग डचमैन को एक खलनायक की तरह पेश किया गया है जिसे मारकर स्पाइडरमैन गांव वालों को उसके जुल्मों से आजाद करवाता है। सुपरनेचुरल प्रोग्राम में फ्लाइंग डचमैन को एक भूतीय किरदार की तरह पेश किया गया है। टीवी के साथ साथ फिल्मों में भी इसकी बखूबी इस्तेमाल हुआ है। 1951 में बनी पेंडोरा एंड द फ्लाइंग डचमैन नामक फिल्म इस समुद्री लोक कथा से प्रेरित है। इसमें नायक फ्लाइंग डचमैन है जो गलतफहमी में अपनी पत्नी को बेवफा समझकर उसका कत्ल कर देता है और उसे काला पानी की सजा मिलती है, लेकिन उसके अच्छे बर्ताव को देखते हुए उसे 7 साल में एक बार 6 महीने के लिए सच्चा प्यार ढूंढने के लिए रिहा किया जाता है। एज ऑफ एम्पायर कंप्यूटर गेम में
फ्लाइंग डचमैन एक चीट कोड है। ये एक जहाज है जो जमीन और पानी दोनों में चलता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही रोचक वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।